लखनऊ की लड़ाई में एक आखिरी बार आपका स्वागत है। जी हाँ, ये लखनऊ की लड़ाई का फाइनल एपिसोड आप देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की लड़ाई अब खत्म हुई। बीजेपी को फिर से उत्तर प्रदेश मिल गया है। ऐसा रिकॉर्ड पहली बार बना है 37 सालों में जब एक ही पार्टी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा उसी चेहरे के साथ सत्ता में लौट पाए। चेहरा जरूर योगी आदित्यनाथ का रहा, नीतियां योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। MY अभी तक विपक्ष के लिए मुस्लिम यादव समीकरण जाति के इर्द गिर्द, लेकिन उस तिलिस्म से हटकर मोदी और योगी की जोड़ी को यूपी ने जबरदस्त कह दिया। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे, वादे पूरे किए और आगे आगे देखिए। उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। कोना कोना पर देश सवारा है, भाजपा पे ही भरोसा हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, विरोधियों ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है।